पिछले दो दिन में बॉलीवुड ने दो महान फिल्मकारों को खो दिया और अब बॉलीवुड को तीसरा झटका लगा है। पहले बुधवार यानी 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हुआ, फिर 30 अप्रैल को ऋषि कपूर ने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इन दोनों के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। अभी इनके निधन से लोग उभरे भी नहीं थे कि इसी बीच बॉलीवुड का एक और सितारा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO 60 साल के कुलमीत का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस बात की जानकारी फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्वीट करते हुए दी। खबरों की माने तो कुलमीत मक्कड़ का निधन आज शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ। देश में जारी लॉकडाउन की वजह से वो वहीं पर रह रहे थे। फिल्म मेकर करण जौहर ने CEO कुलमीत मक्कड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, कुलमीत तुम प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक मजबूत स्तंभ थे। हमेशा तुमने इंडस्ट्री के विकास के लिए काम किया। बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। आप हमें हमेशा याद आएंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि कुलमीत मक्कड़ ने कथित तौर पर मनोरंजन उद्योग में लगभग 3 दशकों तक काम किया था। कई बड़े संगठनों के प्रमुख होने के अलावा उन्होंने फिल्म उद्योग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए ट्रस्ट फंड बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि लॉकडाउन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कोरोना वायरस संकट के बीच कुलमीत मक्कड़ ने 10 लाख रुपए दान करने की घोषणा की थी, जिसके लिए हर जगह इनकी तारीफें हो रही थीं। वहीं प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक प्रवक्ता ने कुलमीत मक्कड़ के बारे में बात करते हुए कहा, आज हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। कुलमीत की जगह कोई नहीं ले सकता। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसने भारतीय तथा टेलीविजन जगत के विकास में पर्दे के पीछे रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रिय कुलमीत, आपकी हमेशा बहुत याद आएगी। दोस्तों, ये समय बॉलीवुड की दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल भरा चल रहा है। न जाने बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई है, जो एक के बाद एक ऐसे दिग्गज और महान लोग हमारी दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं।